दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग कैप प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाई है फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो आप अपने मोबाइल पर। जी हाँ, इस वीडियो पर हम प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग करेंगे अपनी फोटो पर। रेड इफेक्ट, ब्लैक इफेक्ट, डार्क इफेक्ट, बहुत तरीके के मैंने आपको एडिटिंग सिखाया फोटो एडिटिंग अपने मोबाइल के अंदर। और हम इस वीडियो पर लाइटरूम का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी सीधा चलते हैं हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो आपको सिंपली ओपन फोटोज़ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से गैलरी से अपना पिक्चर सिलेक्ट करेंगे जिसको आप एडिट करना चाहते हो। तो यहाँ से मैं अपना पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो ये मैंने अपना पिक्चर सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हो। आप पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हो ये काफ़ी प्रोफेशनल लेवल का फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगी, ये आप देख सकते हो एडजस्ट। सिंपली हमें एडजस्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा HSL। सो आप देख सकते हो सिंपली HSL के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको बीच में ये जो कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको आपको चूज़ करना है। उसके बाद इसका जो अमाउंट है आपको इसे लेफ्ट साइड की तरफ लेके आ जाना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इसका नीचे आपको एक लाइन मिलता है ग्रीन सेचुरेशन, इसका भी वैल्यू आपको लेके जाना है राइट साइड की तरफ, ठीक है। राइट साइड की तरफ आपने लेके आ गया। उसके बाद आपको ये जो नीचे का लाइन मिलता है, सो ये आप देख सकते हो इस लाइन का वैल्यू आपको लेफ्ट साइड की तरफ लेके आना है, ठीक है। सो लेफ्ट साइड की तरफ आप लेके आएंगे, उसके बाद कर देंगे डन, ठीक है। अब देख सकते हो हमारा फोटो ऑलमोस्ट एडिटिंग हो चुका है, रेड इफेक्ट आ चुका है। अभी हमें इसमें और एडजस्टमेंट करना है, जिसके लिए हम येलो को चूज़ करेंगे। जो आपको येलो कलर का ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको येलो ह्यू इसको आपको और लेफ्ट साइड की तरफ लेके आ जाना है, ठीक है। सो मैं इसको पूरा लेके आ जाता हूँ लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने लेके आ चुका हूँ। उसके बाद नीचे मिलता है येलो सेचुरेशन, इसका वैल्यू आपको अगेन क्या करना है। सो अगर आपको इस तरीके का काफ़ी एक कूल टाइप का रेड इफेक्ट चाहिए तो आप इसका जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे, और अगर आपको पूरा रेड चाहिए तो आप इसको राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे। जैसे कि मुझे इस टाइप का चाहिए, या मैं क्या करता हूँ इसको राइट साइड की तरफ लेके जाता हूँ। उसके बाद अगेन मिलता है येलो लुमिनेंस, सो इसका वैल्यू अगेन आप यहाँ से अपनी पिक्चर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो इसको मैं माइनस रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस फोटो का बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखाऊँ, सो हेयर इज द बिफोर एंड हेयर इज द आफ्टर। सो आप देख सकते हो हमने कुछ ही सेकेंड के अंदर अपना जो पिक्चर उसको एडिटिंग कर लिया, रेड इफेक्ट डाल लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। अभी हमें आ जाना है डिटेल पर, या आप देख सकते हो डिटेल इसमें आ जाना है। डिटेल पर आने के बाद शार्पन को हमें सबसे पहले इसका क्लियरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करती है, देन शार्पन को आपको इंक्रीज करना है। सो अराउंड आपको आप अपने पिक्चर के हिसाब से ये चीज़ कर सकते हो। देन डीनोइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज करते और डीनोइज़ कलर को भी थोड़ा इंक्रीज करते। इतना करने के बाद अभी मिलता है कार्ब का ऑप्शन, आप चाहो तो कार्ब यूज़ कर सकते हो, अपने फोटो पर अप्लाई कर सकते हो। और अभी हम यहाँ आ जाना है बिगनेट इफेक्ट पर, ठीक है। बिगनेट इफेक्ट पर आने के बाद इसमें थोड़ा बिगनेट इफेक्ट डाल लेना है, लाइक आपको इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेके आना है। सो मैं इसे 25 कर लेता हूँ, 25 हो चुका है। इसको सिंपली कर देना है डन, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो बिफोर और ये आफ्टर। अभी क्या करना है, अगर आप अपने मॉडल का स्किन को रिटच करना चाहते हो तो इसके लिए आप रिटच ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। रिटच के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मिलता है ये जो आपको एक ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर ऑटो के ऊपर क्लिक करके कर सकते हो, या मैनुअल भी कर सकते हो। सो मैं इसको इतना रखूँगा और स्किन शेडो को मैं माइनस कर लेता हूँ, या आप ऑटो के ऊपर क्लिक करके भी ये चीज़ कर सकते हो। सो बिफोर और ये आफ्टर, उसके बाद इसको कर देना है डन। सो हमारा पिक्चर एडिटिंग हो चुका है। अभी इस पिक्चर को हमें सेव करना है अपनी गैलरी के अंदर। तो आपको ये जो ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से सेव न्यू फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर डायरेक्टली आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप रेड इफेक्ट अपनी फोटो पर डाल सकते हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आप और तरीके से और भी अपनी फोटो पर इफेक्ट कैसे डाल सकते हो, जैसे कि आप कुछ डिफरेंट टाइप का अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो।
ओके तो आप देख सकते हो मैंने अगेन वही पिक्चर को ऐड कर लिया दोबारा इस ऐप के अंदर। सो यहाँ पर अभी हमें आ जाना है, एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टाइल, सिंपली आपको स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले मिलता है स्टाइल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको मिलेगा फीचर ऑप्शन, सिंपली फीचर के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको नीचे यहाँ पर कुछ टेम्पलेट मिलता है, लाइक अगर आप इस तरीके फोटो एडिटिंग करना चाहते हो जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फोटो पर ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा एज यू कैन सी है। सो बिफोर और ये आफ्टर, सो आप देख सकते हो सिर्फ एक ही क्लिक हमने किया और हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है। अगर आपको इस तरह की फोटो एडिटिंग करना है तो आप इस इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके फोटो पर ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ डिफरेंट टाइप का और एडिटिंग कैसे कर सकते हो। सो उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ये, अगर आप इस टाइप का एडिटिंग करना चाहते हो सो आप इस तरीके से कर सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, सो आप देख सकते हो। तो आप सिर्फ एक ही क्लिक में आप यहाँ से अपना फोटो को एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल ब्लैक इफेक्ट अपनी फोटो पर डालना है तो आप इस तरीके से भी डाल सकते हो। और भी आपको यहाँ पर प्रीसेट मिलता है, इनको भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो आप देख सकते हो ये आ चुका है, इसका ओपेसिटी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद सिंपली कर देना है डन। सो डन करने के बाद आप सेम अगेन इसके ऊपर क्लिक करके अपना पिक्चर को सेव कर सकते हो, सेव न्यू फोटो के ऊपर क्लिक करके। तो बेसिकली ये था आज का हमारा फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन, किस तरीके से एडिटिंग करना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।